नमस्ते फिर आपका एलसी ऑफिस में स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कैसे ये कंद को कैसे कढ़ाई में कैसे भूनते हैं। जैसे हम लोग भट्टी में गांव में भूनते हैं ना, वो कंडे में भूनते हैं ना, ऐसे इसको हम आज इसको उसी तरह कढ़ाई में भून के आपको दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमने एक कढ़ाई में कंड को डाला है, रतालू, इसको महाराष्ट्र में रतालू बोलते हैं और यूपी में कंड बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, तो आप घी या तेल आप इसको इसमें लगा के आप इस कढ़ाई से कर्क डाल दीजिए, और आप चाहे तो उसके साथ आलू भी डाल सकते हैं, मैंने आलू भी डाल दिया है। अब आप क्या करें, इसको फिर अच्छे से इसमें तेल या घी लगा के ऐसे आपको रखे किसी चीज़ से बर्तन से ढक दीजिए आप। फिर इसको 5-5 मिनट पे आप खुल खुल के इसको चलाते रहिए। अब इसको ऐसे चलाते रहने का ताकि ये एक जगह लगे ना जले, इसको चलाते रहने का। और ये क्या है, इसको स्लो आंच पे रखने का, पहले फास्ट कर देने का, फिर जब पूरा गर्म हो जाए पूरा तब इसको क्या करने का, स्लो कर देने का। कढ़ाई गर्म हो जाता है और पूरा गर्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे इसको स्लो आंच पे पकाएंगे, नहीं तो क्या है जल जाएगा। तो स्लो स्लो आंच पे ही करने का, मध्यम मध्यम आंच। देखिए फ्रेंड क्या है, ये हम इसको 5-5 मिनट से ऐसे ही चलाते रहेंगे। और ये देखो अभी आधा हो गया है, तो अभी क्या है सब हो गया है, इसको ऐसे चलाते रहेंगे। जब ये हो जाएगा तो अपने आप इसमें हाथ हाथ लगा के देखेंगे, मतलब तो कोई चम्मच से लगा के देखेंगे तो ऐसे ही दबेगा, हो जाएगा तो आपको तो पता ही चल जाएगा। स्लो आंच पे ही करने का, फास्ट नहीं करने का गैस। देखिए फ्रेंड्स अभी ये क्या कंड बन के तैयार हो गया है। अभी क्या देखो इतना अच्छा लग रहा है, अभी इसको हम खा सकते हैं किसी भी चीज़ में। देखिए अभी इसको अब हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। हाँ देखिए अभी क्या है, इसको प्लेट पे निकाल दिए, अभी आप खाइए इसको। देखिए अब इसको दूध के साथ, दही के साथ वैसे भी खा सकते हैं, व्रत में तो ज़्यादातर खाते हैं इसको। इसमें क्या विटामिन ए भी रहता है, हेल्थ के भी अच्छा, के लिए भी अच्छा है। आप इसको खाइए और बनाइए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।